बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं इस वक्त पैमरा हेडक्वार्टर में मौजूद हूँ। मोहम्मद अकरम आबिद शहर इक्तदार इस्लामाबाद से आपको खुश आमदेद कहता हूँ। जिस मुजव्वज़ा मुसवदे का पाकिस्तान में चर्चा है, शोहर है, शोहरत है, पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, आज उसके बारे में वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तला'आत और नशरियात फारूक हबीब ने ब्रीफिंग दे दी है। आज पैमरा हेडक्वार्टर में तीनों जमातों की ख़वातीन अरकान इजलास में जमा हुई, इजलास हुआ, कॉन्फ्रेंस रूम में इजलास हुआ, और इसमें हुकूमत की जानिब से पीएमडीए को, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि ये मंजर आम पर नहीं आ रहा और इसके बारे में सहाफ़ती तंजीमों में तशवीश पाई जाती है, आज मुकम्मल तौर पर ब्रीफिंग दे दी गई है। आइए इस ब्रीफिंग की आप वीडियो देखें। हमारे सामने जो उनको रेगुलेट करता है वो भी ये है, जो 3G 4G और बाकी इंटरनेट के मुताबिक जो डिजिटल हमारी वेबसाइट हैं उनको देखता है। लेकिन क्योंकि हमारा मीडिया का एक बहुत बड़ा जो कम्युनिकेशन का मीडिया के लोग हैं वो डिजिटल मीडिया के ऊपर भी मौजूद हैं, उनकी प्रेजेंस मौजूद है, और तो वो हमारी मिनिस्ट्री के साथ अटैच नहीं है, लेकिन क्योंकि हम उसे अब पहले इमर्जिंग मीडिया कहते थे, अब वो मर्ज हो चुका है। मीडिया 25 अरब के ऊपर उसकी एडवर्टीजमेंट पहुंच चुकी है, तेजी से मर्ज हो रहा है, और तमाम जो बड़े हमारे मीडिया हाउसेज हैं उनकी भी डिजिटल मीडिया के ऊपर जो है वो प्रेजेंस मौजूद है। तो ये एक हमारे सामने एक सूरत हाल है कि हम तकरीबन 4 अरब रुपए के करीब इन रेगुलेटरी बॉडीज के ऊपर जो है वो सालाना हम खर्च कर रहे हैं, और जो मेन इसके पीछे कॉन्सेप्ट है वो भी ये है कि आज आपका प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और आपकी डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो सारे आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर आ चुके हैं, और जिस तरीके से आपका एक वक्त था कि प्रिंट मीडिया था, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बना, तो प्रिंट मीडिया बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हाउसेज भी बनाए, जब डिजिटल मीडिया इमर्ज हुआ तो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म भी बनाए। तो मैं समझता हूँ कि जब वहाँ पर प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया जो है उनके प्लेटफॉर्म कन्वर्ज होते जा रहे हैं, तो यहाँ भी लॉज को जो है वो कन्वर्ज करने की जरूरत है। इस सिलसिले में हमने प्रपोज की पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसके ऑर्गेनोग्राम में हमने ये प्रपोज किया कि हम ये जितने अलग अलग जो हमारे डिफरेंट बॉडीज बनी हुई हैं इनके हम डायरेक्टरेट अंडर 1 अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन हम बना दें, ताकि हम इनकी एक तो जो बजट है वो भी हमारा काम होगा, दूसरा हम इनकी जो एफिशिएंसी है, जो इफेक्टिवनेस है, उसको भी हम आगे बढ़ा सकें। इसी के साथ साथ हमने इसमें प्रपोज किया है मीडिया कंप्लेंट कमीशन। अब मिसाल के तौर के ऊपर जो है वो अखबार में किसी की कोई दरख्वास्त है तो वो प्रेस काउंसिल के अंदर जाती है, जब प्रेस काउंसिल में चले जाती है तो मेरे ये सामने मौजूद हैं, मैं आपके सामने रख देता हूँ, प्रेस काउंसिल में जाएगी आपकी, तो वहाँ पर बड़ी तादाद में 48 के करीब जो है वो कंप्लेंट्स आई हैं, और उसमें से 4 डिस्पोज ऑफ हुई हैं, वो भी पार्शली डिस्पोज ऑफ हुई हैं, और जो उसका बजट है जो हमारा सालाना वो तकरीबन 4 करोड़ रुपए के करीब है, 40 मिलियन जो है उसका बजट बन। इसी तरीके से जो है वो ऑडिट ब्यूरो सर्कुलेशन है, अब इसमें ऑडिट हुआ 1600 से करीब 1650 के करीब ऐसे हमारे पास जो है वो पेपर्स हैं जो कि DC सर्टिफाइड हैं, ऑडिट हुआ उसमें से 50% ऐसे पेपर्स सामने आए जो पेपर्स शायद इश्तहारात वाले दिन छपते हैं, या पेपर्स की जो पब्लिकेशन हाउसेज का जो एड्रेसेस लिखे हुए हैं वहाँ पर कोई पब्लिकेशन मशीन नहीं लगी हुई, वहाँ पर कोई प्रेस नहीं लगा हुआ, वहाँ पर कोई उसके अल्टरनेट जो है वो कारोबार चल रहा है, जो कि उस बात की निशानदेही करता है कि यहाँ पर जो अखबार और दिख रहा है कि मेरा जो हर अखबार लिखता भी है अपने बॉटम के ऊपर कि यहाँ से ये पब्लिश हुआ है, और उस एड्रेस के ऊपर जो है वो कोई पब्लिकेशन ना हाउस है, ना कोई प्रेस लगा हुआ है, ना कोई ऐसी चीज़ सामने आती है, तो वो प्रॉपर ऑडिट में चीज़ें सामने आई। इसी तरीके से हम ये चाहते हैं कि जो ऑडिट का अमल है इसको हम डिजिटलाइज करें, आपको 7-8 डिफरेंट प्रोसेस से जो है वो गुजरना पड़ता है, और ये भी एक चीज़ ये है कि एक रिक्वायरमेंट है ABC की, आप अपनी ये आपका मैनुअल्स का भी हिस्सा है कि आप अपनी ABC
उसके ऊपर भी जो है वो कोई जो अमल दरामद है इफेक्टिवली उस तरीके से जो है वो जारी नहीं है। इसी तरीके से हमारे पास जो है वो पैमरा मौजूद है, पैमरा का नंबर ऑफ एम्प्लाइज हमारे पास जो है वो 600 एम्प्लाइज हैं और पैमरा के जो स्टे ऑर्डर हैं वो तकरीबन 500 के करीब मुख्तलिफ मुल्क की जो कोर्ट्स हैं अदालतें हैं उनके ऊपर जो है वो स्टे ऑर्डर भी हैं और तकरीबन कोई 3 अरब रुपए के करीब इनका भी साल का जो है वो एक्सपेंडिचर, इनका जो खर्चा है वो यहाँ पर मेरे सामने मौजूद है। प्रेस रजिस्ट्रार का ऑफिस है, तो बेसिकली इनको कन्वर्ट करने से हमारा जो बजट है उस बजट को भी हम कम कर रहे हैं और जो प्रोसेसेस हैं उनको हम डिजिटलाइज करके उनको सहल बनाना चाहते हैं। इसमें जो दूसरी चीज़ हम प्रपोज कर रहे हैं आईटीएनई में 10,500 दरखास्तें आई, 700 4 करोड़ की जो बजट एस्टीमेट है इस साल जो रिसीव्स के हैं इनके लिखे हुए हैं ये तकरीबन ये भी पौने यानी कि 2,72,00,000 रुपए जो है वो लिखे हुए हैं जो मेरे सामने फिगर्स पड़े हैं अर्निंग जो रिसीव्स के तौर पे लिखी है मैं वही कह रहा हूँ ना दो अरब बहत्तर करोड़ जो मेरे सामने फिगर्स पड़े जी जी मीडिया कंप्लेंट कमीशन जब ये अथॉरिटी का क्या होगा, अथॉरिटी एडमिनिस्ट्रेटिवली इन तमाम डायरेक्टरेट्स को देखेगी, इसके साथ इसी जो इसका जब कानून बनेगा जो हम आपके साथ कॉन्सेप्ट शेयर कर रहे हैं उसी कानून के तहत मीडिया कंप्लेंट कमीशन जो है वो इसके अंदर उसका क्याम जो है वो अमल में लाया जाएगा और मीडिया कंप्लेंट कमीशन की जो फॉर्मेशन है जो अभी हम इन कंसल्टेशन प्रोसेस के अंदर हैं उसमें 4 लोग जो हैं वो सजेस्टेड हैं वो मीडिया के रेप्स होंगे, 4 उसमें जो है वो गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी और 1 उसमें जो है वो मीडिया अथॉरिटी के जो भी चेयरमैन होंगे वो उसका हिस्सा होंगे। मीडिया कंप्लेंट कमीशन के अंदर जो आईटीएनई के प्रिंट का जो फॉरम है 10,500 जैसा मैंने दरखास्तें आपको बताई उसमें से 700 का सिर्फ फैसला हुआ और 10,000 जो है वो पेंडिंग है वहाँ पर। इसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो साथी हैं उनके पास अपना कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट अपनी सैलरीज के हवाले से हमारे पास जो है वो लोग आते हैं और आकर हमें मुख्तलिफ सजेशंस वो देते हैं। इस हवाले से सेनेट के अंदर एक बिल के ऊपर भी काम हो रहा था कि इसको आप एडवर्टीजमेंट के साथ लिंक कर दें या आप जो है वो एडवर्टीजमेंट की जो पेमेंट्स हैं पहले वो रोक के मीडिया वर्कर्स की जिन हाउसेज में या अखबारात में पेमेंट्स नहीं की वो आप अदा कर दें, तो कोई ऐसा फॉरम उनके पास मौजूद नहीं है जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ ही जहाँ पर जाकर अपनी दरखास्त या अपनी कंप्लेंट या कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट करवा सके, वो मीडिया कंप्लेंट कमीशन में जो है वो हम लेके जा रहे हैं। इसी तरीके से जो रेगुलेशन के हवाले से कोई भी दरखास्त है किसी भी जानब से जो है वो सामने आती है वो भी मीडिया कंप्लेंट कमीशन में जाएगी और ये जो कमीशन मीडिया कंप्लेंट कमीशन की जो फॉर्मेशन है जो कमीशन बनेगा वो इसके जो हेड है उनको तैनात करेंगे जो कि हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज भी हो सकते हैं या उसी एक्सपीरियंस के जो है वो कोई वकील भी हो सकते हैं सजेस्टेड। इसके अलावा जो इसकी अपील है उसके लिए मीडिया ट्राइब्यूनल का जो है वो फॉरम रखा गया है और यही जो कमीशन है वो मीडिया ट्राइब्यूनल को भी
जज का फैसला होगा तो ट्राइब्यूनल का जो अपील है वो सुप्रीम कोर्ट जानी चाहिए। इसके ऊपर हम ओपन है और क्योंकि डिफरेंट लोगों से जब हमारी बात होती रही तो डिफरेंट सजेशन भी आती रही। सरपंच साहब बैठे हैं, उन्होंने कहा कि लॉ ट्राइब्यूनल से जो है वो एक खौफ की फीलिंग आती है, तो हमने कहा कि आपकी और नाम जो हम सजेस्ट कर रहे हैं इस हवाले से। इसी तरीके से हम अपनी जो हमारी लॉ को कानून को जो लोग समझते हैं उनकी भी एक्सपर्ट राय इसमें शामिल की जा सकती है। ये राय आई कि हाईकोर्ट के अंदर अपील क्यों नहीं है, उस हवाले से भी हम फ्लेक्सिबल हैं।